दो लोग एक दूसरे से मिले जो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट थे, पर उनमें इंस्टेंट अट्रैक्शन था। बात आगे बढ़ी और उन दोनों के गोल कम्प्लीटली अलग थे। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गए। क्या ये दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? हम आज के हमारी मूवी विदाउट सेइंग गुडबाय 2022 की एक रोमांटिक मूवी में देखने वाले। एक बहुत ही अच्छे से मैसेज के साथ आती है और इसकी एंडिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाए। और नेबर में एक पार्टी चल रही थी तो वहां पर आ जाता है। वहाँ पर सिंगिंग डांसिंग सब कुछ चल रहा है। वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी, इसका नाम था अरियाना। इसकी सिंगिंग उसे बहुत अच्छी लगती है। एक लेडी उसे पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मेरी टिंडर डेट हो। साल्वाडोर इसके लिए मना करता है। उसने उस लेडी जिसका नाम था ओप्री उसे पूछा क्या तुम उस लड़की को जानती हो। वो कहती कि वो मेरी डॉटर की तरह है। सब लड़कियां जब डांस कर रही थी तो अपने पीछे एक कागज लगाया हुआ था, अगर कैंडल लेकर किसी आदमी को उसने आग लगानी थी इसका मतलब है वो लड़की उस आदमी में इंटरेस्टेड है। ओप्री साल्वाडोर से कहती कि तुम्हें जाकर ट्राई करना चाहिए। साल्वाडोर ने ट्राई किया और अरियाना उसे आग लगाने देती है। डांस के बाद साल्वाडोर अरियाना के पास गया। वो पेंट अरेंज कर रही थी तो गलती से साल्वाडोर की शर्ट पर एक गिर जाती है। साल्वाडोर को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका लकी जैकेट था। वो अरियाना को कहता है कि तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही अच्छी थी। अरियाना कहती कि यहाँ पर सदियों से डांसिंग और सिंगिंग चलती आ रही है। जब भी कोई कंट्री मैन यहाँ पर आकर सेटल होता है तो उसे वेलकम करने के लिए हम डांस करते हैं। बातों बातों में अरियाना को पता चला कि साल्वाडोर यहीं पर रह रहा है। वो ब्रीन के पास आए तो अरियाना की आंटी उबरी ने आरियाना से कहा कि इनका अच्छे से ख्याल रखना, ये हमारे नए गेस्ट है। आरियाना एक फ्री स्पिरिट थी, उसे अलग अलग जगह पर जाना और अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखना बहुत ही अच्छा लगता था। वो साल्वाडोर को उसका रूम दिखा देती है। साल्वाडोर ने पूछा कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होती है। आरियाना कहता है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड है। साल्वाडोर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहता था। आरियाना कहती कि मुझे हैंडसम लड़के उतने अच्छे नहीं लगते। साल्वाडोर मजाक करता है कि मुझे भी नहीं लगते। आरियाना ने कहा कि तुम्हारे वेलकम के लिए हम ड्रिंक कर ही सकते हैं। उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। आरियाना कहती कि मैं सिंगल हूँ और कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहती। साल्वाडोर कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है, पर कमिटमेंट जब करनी पड़े तब मैं कर सकता हूँ। इन दोनों ने बहुत सारी बातें की। साल्वाडोर आरियाना के करीब आ गया। उसे कहती कि मैं फर्स्ट डेट पर किस नहीं करती। साल्वाडोर कहता है कि टेक्निकली हम डेट पर नहीं गए। इसके बाद एक दूसरे को किस कर लेते और वहीं पर इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट डे साल्वाडोर जब आरियाना से मिला तो उसे कहता है कि कल रात बहुत ही अमेजिंग थी। अप्री को इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। आरियाना जो भी काम कर रही थी तो साल्वाडोर उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसे पूछती कि तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो। वो कहता है कि एक दो साल रुक सकता हूँ। आरियाना पूछती कि क्या तुम छुट्टी ले रहे हो। साल्वाडोर कहता है कि यहाँ पर मैं होटल बनवाने के लिए आया हूँ। अपना सारा काम उसे दिखाता है पर आरियाना इम्प्रेस नहीं थी। उसे नेचर के अगेंस्ट जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना अच्छा नहीं लगता था। साल्वाडोर का प्लान था कि उनके हॉस्टल को बाय करेगा और वहीं पर होटल बनवाएगा। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे कहती कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी था। टूर अरेंज हुए और इनके साथ और 5-6 लोग आने वाले थे, पर वो वहाँ पर पहुंचते ही नहीं। जो लोग आए थे उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। कोई ना आने की वजह से टूर कैंसिल होने वाला था। साल्वाडोर ने आरियाना के नेक पर एक टैटू देखा जिसको पिक्चर लेता है। वो कहता है कि इसका मीनिंग क्या है। आरियाना कहती कि एक स्पेशल टैटू आर्टिस्ट ने बनवाया हुआ था, तुम्हें उसे स्टोरी सुनानी पड़ती है और अगर स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगे तभी वो टैटू तुम्हारे लिए बनवाती है। साल्वाडोर इसमें इंटरेस्टेड हो गया पर आरियाना इसका मीनिंग उसे नहीं बताती, वो स्टोरी भी बताने से मना करती है। इसके बाद इंस्टाग्राम के लिए वो फोटो लेते हैं। रात में इन्होंने कैंप और फायर बनवाए, तारों के नीचे सोए हुए थे। आरियाना कहती कि तुम्हारा 7-स्टार होटल कभी भी फीलिंग नहीं देगा। हाइकिंग करते करते बहुत दूर आ गए थे। साल्वाडोर कहता है कि हमारा टूर तो बहुत ही छोटा था। आरियाना कहती कि ज्यादा मैं इन सब चीजों पर वैल्यू नहीं करती, इस मोमेंट मुझे ब्यूटी है इसी को एंजॉय करना चाहती थी। साल्वाडोर कहता है कि बचपन में मुझे भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। म्यूजिक में पैटर्न्स होते थे और यही पैटर्न्स उसे मैथमेटिक्स में अच्छे लगने लग गए और बाद में वो आर्किटेक्चर में चला गया। आरियाना उसे कहती है कि बिजनेस की वजह से तुम एक गलत रास्ते पर चलने लग गए, पास में बैठकर वो मेडिटेट करने लग गए। साल्वाडोर कभी भी इस तरीके से शांत नहीं बैठ सकता था। उसे मसाज देती है और रिलैक्स रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर में वो सो गया था और बाद में उसे जब नींद आती है तो बिलीव नहीं कर पाता कि दिन के बीच में वो सो गया था। आरियाना ने कहा कि इस तरीके से न्यू चीजें डिस्कवर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साल्वाडोर हमेशा अपने काम को लेकर वरीज करता रहता है पर आरियाना कहती है मैं अपने डे टू डे मूवमेंट के लिए जीती हूँ, उसे किसी भी चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बातें करते करते हाईएस्ट पीक तक आ गए, वो इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। वहां पर
एक कोरियन कपल भी था जो उन्हें फोटो लेने के लिए हेल्प करता है। उन्हें लगता है कि आरियाना और सालोडोर मैरिड है। सालोडोर भी कोरियन में उनसे बात कर रहा था और उन्हें भी उनके मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। आरियाना कुछ भी समझ नहीं पाई थी तो सालोडोर ने उसे सब कुछ बता दिया। आरियाना कहती कि मैं प्यार और शादी इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो हर्ट भी उतने ज्यादा ही हो जाते हो। हाइकिंग करते करते सालोडोर के फोन पर रेंज आके उसे अपने फादर से और कंपनी से बहुत सारे मेल आए हुए थे। आरियाना कहती कि यहाँ तुम्हें फोन पर डिस्टर्ब होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे फोन छीनने की कोशिश करती है पर सालोडोर का फोन टूट गया। वो इसके लिए उसे बहुत सॉरी कहती है पर सालोडोर इससे बहुत अपसेट हो गया था। आरियाना कहती कि इससे तुम अपने एडिक्शन से बच सकोगे। सालोडोर कहता है कि 5 दिनों से मैंने यूज नहीं किया था, मुझे कोई भी एडिक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी कंपनी को लेकर वो जरा वरीड था। कहता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं जी सकता। थोड़ी देर में आरियाना से कहती है कि अगर तुम गुस्सा ना हो तो एक जगह पर हम जा सकते हैं। एक माउंटेन पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल था। सालोडोर ने आरियाना के बॉडी पर एक स्कार देखा। वो कहता है कि मुझे स्कार जो रिप्रेजेंट करते हो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बार तुम्हें घाव है उसके बाद वो रिपेयर भी होता है। वो दोनों स्विमिंग करने लग गए। सालोडोर से पूछता है तुम हमेशा अलग अलग जगह पर जाती रहती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता। आरियाना कहती कि एक्सप्लोरेशन में तो बहुत मजा है, वो कभी भी उसे कहाँ जाना है कि वो डिसाइड नहीं करती, अलग अलग जगह पर जाती रहती है। सालोडोर उसके करीब आ गया तो आरियाना कहती कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सालोडोर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। उन्हें पता था कि उन दोनों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए पर इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते थे तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अपने टूर में उन्हें जहाँ जाना था एक हाईएस्ट माउंटेन पर, वहाँ पर वो पहुँच गए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो यहाँ पर उसे किस करते हैं और सालोडोर ने कहा कि क्या तुम मेरे प्यार में पड़ रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ये सब मजाक करते करते कह रहा था। ये ब्यूटीफुल सी टूर खत्म हो जाने के बाद ये फिर से घर आने के लिए रेडी हो गए। घर आते वक्त बहुत बारिश हो रही थी, बस भी बहुत ही फास्ट चल रही थी। बस के ऊपर पत्थर पड़ने की वजह से कार टूट जाता है, इस वजह से आरियाना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वही के वही नीचे उतर जाती है। वैसे अपसेट होकर वो घर पर आई। उपरी उससे पूछती कि क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ। सालोडोर बस के साथ जो भी हुआ था ये उसे बता देता है। उससे पूछता है कि आरियाना के साथ हुआ क्या था। अभी ने कहा कि जब वो 13 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट में सिर्फ आरियाना बची थी, इसी वजह से एक्सीडेंट से उसे बहुत डर लगता है। अगले दिन से फिर से सालोडोर का काम स्टार्ट हो गया। कॉल ना उठाने के लिए उसके फादर से बहुत बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनानी है, इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए सालोडोर को यहाँ के ऑफिशियल से उसे मिलने के लिए कहा। वो ऑफिशियल उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए हम वो सब कर सकते हैं पर बात यही है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे। इस तरीके से बिजनेस करना सालोडोर को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी उसके पास अपने फादर की वजह से कोई भी चॉइस नहीं थी। आरियाना पूरे दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकली तो अभी उसके पास आई। आरियाना उसे कहती है कि कुछ कार्स कभी भी हील नहीं होते। अभी वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। थोड़ी देर बाद आरियाना को जब अच्छा लगने लग गया तो सालोडोर उसके पास आता है। वो काम कर जरा थक गया था तो नेचुरली उसका मसाज वो करने लग जाती है। उभरी को उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। आरियाना ने कहा कि आज शाम एक फेस्टिवल है तो सालोडोर भी उसके साथ जाना चाहता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे फूल देखे। सालोडोर कहता है कि इस जगह पर हमेशा मुझे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। इन्होंने फेस्टिवल को ज्वाइन किया, वहाँ पर म्यूजिक, अलग अलग खाना, ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। सब लोगों के साथ वो घुल मिल जाता है, फूड टेस्ट करता है, डांस करता है। आरियाना उसका मजाक करती है, तुम्हारा डांस बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक दूसरे का साथ इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में सालोडोर को उसके फादर मैसेज करते हैं, कहते हैं कि अब तक लैंड की डील तुमने कंप्लीट नहीं की है, कल तक अगर तुमने इसे कंप्लीट नहीं किया तो हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट को गुड बाय कह देना। सालोडोर अपरी के पास आया पर वो समझ गई थी कि वो क्या कहने वाला है। अपरी कहती कि जगह बहुत ब्यूटीफुल है, मैं मरने के बाद यही दफन होना चाहती हूँ और एक पेड़ के रूप में फिर से वापस आऊंगी। सालोडोर कहता है कि हम आपको जितने पैसे देने वाले हैं इसमें आप बहुत सारी लैंड बाय कर सकते हो, फिर से सब कुछ रिबिल्ड कर सकते हो। ये ऑफर देखकर अपरी भी इस बात को कंसिडर करने लग गई थी। शाम में आरियाना पियानो के पास कैंडल लगा रही थी। सालोडोर उसके पास आकर पियानो बजाने लग जाता है। ये दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक प्ले करते हैं, सिंग करते हैं। एक दिन आरियाना ने अपरी की सब चीजों में सालोडोर का ऑफर देखा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अपरी कहती कि हम कहीं और फिर से बिल्ड कर सकते हैं पर आरियाना कहती कि इस जगह से मेरी यादें जुड़ी हुई है। वो इस बात से बहुत ही हर्ट हो गई और कहती कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपरी कहती कि तुम हमेशा इस तरीके से भाग नहीं सकती, एक जगह पर तुम्हें सेटल होना पड़ेगा। पेड़ पौधे भी एक जगह पर होते हैं, तुम्हें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तुम भी अपना
बेस ढूंढ सकते हो। पर अरियाना इस बात को नहीं मानती। उसे जाते हुए सालोडोर देख लेता और रोकने की कोशिश करता है, पर वो बहुत गुस्से में थी। इसी मोमेंट पर सालोडोर के फादर यहाँ पर आ गए। उसे कहते कि जो काम तुम कम्प्लीट नहीं कर पाए, इसे कम्प्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अगर यहाँ की ओनर लैंड सेल नहीं करना चाहती थी तो ज्यादा पैसे दे देते, सब कुछ काम हो जाता। यहाँ पर अबरी आती है और सालोडोर को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सालोडोर के फादर उसे डबल अमाउंट देने के लिए रेडी थे, पर अबरी उसके लिए मना कर देती है। उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते तो सालोडोर कहता है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। उसे मैं यहाँ से जाने लग गया। उसके फादर कहते हैं कि हम यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पर करोड़ों की डील होने वाली है। सालोडोर कहता है कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें किसी और तरीके से बिजनेस करना चाहिए। उसके फादर बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। सालोडोर कहता है कि मैं आपके साथ अब बिजनेस नहीं कर सकता, उनकी कंपनी क्विट कर देता है। वो अबरी से पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गई होगी। अबरी कहती है कि उसे जहाँ भी अच्छा लगे वो वहाँ पर जाती है, उसे कुछ भी पता नहीं था। सालोडोर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। अबरी ने कहा कि हमेशा उसे पुनो जाना था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो फ्लाइट से वो कहीं पर भी जा नहीं सकती, तो ट्रेन से ही गई होगी। इसके बाद तुरंत सालोडोर अरियाना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरियाना की ट्रेन निकल चुकी थी तो उसके बाद की ट्रेन में हो गया। बहुत लंबे सफर के बाद वो पुनो तक पहुंच गया। हर जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। ये प्लेस रिलेटिवली बहुत बड़ा था। उसी के पास आ गया और अरियाना ने उसे जिस तरीके से कहा था उस तरीके से वो रिलैक्स करता है। कुछ ब्लॉगर्स वहाँ पर वीडियो बना रहे थे तो उनसे उसके बारे में पूछता है। उन्हें पता नहीं था पर वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। इस बात के लिए सालोडोर उन्हें मना करता है। और भी कुछ समय के लिए अरियाना को ढूंढना चाहता था। उसे सजेस्ट कर रहे थे कि पानी में स्विमिंग उसे ट्राई करनी चाहिए, ये बहुत ही ठंडा पानी था, पर फिर भी सालोडोर अंदर चला गया। एक दिन अरियाना सालोडोर के फोन को गलती से चार्ज पर लगा देती है। वही फोन है जो उससे टूट गया था। तुरंत सालोडोर को उसकी लोकेशन पता चल गई। वो जल्दी से वहां पर भागा और ब्लॉगर से लिफ्ट लेता है। उन्हें अपनी सारी स्टोरी उसने बता दी थी। वो कहते हैं कि अरियाना ने तुम्हें कन्विंस कर दिया कि वहां पर तुम्हें होटल नहीं बनवाना है, उसने तुम्हें अच्छे के लिए चेंज कर दिया है। वहाँ पर पहुंचा और अरियाना के पास आ गया। उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। सालोडोर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम चली जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए भी नहीं आऊंगा। वो कहता है कि मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया है, एक साल के लिए मैं खुद के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, होटल भी अब नहीं बनने वाला है, उसे अब सी के पास ही रहना था। अरियाना और उसे सी बहुत पसंद था तो कहता है कि मुझे यही पर रहना है। उसने कहा कि हम दोनों को मिलकर यहाँ पर घर बनाना चाहिए। वो भी उसे काइट सर्फिंग के लिए लेकर जाना चाहता था। अरियाना से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को हैंडल कर पाएंगे। सालोडोर कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी एक दूसरे को मैनेज करना चाहते थे। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते और फिर काइट सर्फिंग के लिए गए, अपने आगे के एडवेंचर को स्टार्ट करते। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।